नमस्कार किसान साथियों, मैं सुनी भारतीय किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान में लगने वाले रोग फाल्स स्मट ऑफ राइस, जिसे हम धान का हल्दिया रोग के नाम से जानते हैं। यह रोग अस्टिलेगो वायरस नामक फंगस से फैलता है। किसान साथियों, यह फंगस जब तापमान 25 से 35 सेल्सियस के बीच तथा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% से अधिक, अर्थात जब वायुमंडल में नमी 90% से अधिक होती है, तो बहुत तेजी से फैलता है। इसका एक कारण और भी है, जब हम धान में ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो भी यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। किसान साथियों, यह रोग धान में फूल बनने की अवस्था से शुरू होता है और दाने बनने तक लगा रहता है। इस रोग के कारण धान की बालियों पर पीले रंग के पाउडर बनकर दानों की जगह भर जाते हैं तथा बालियों पर चिपक जाते हैं, जो कि बाद में धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। किसान साथियों, वैसे तो यह एक बीज जनित रोग है जो कि बीज के साथ ही फसल में आते हैं, लेकिन फसल के साथ ये भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और अनुकूल समय आने पर फसल में दिखाई देते हैं। यह रोग सबसे ज़्यादा हाइब्रिड प्रजातियों में तथा PR 126 में पाया जाता है। किसान साथियों, इसके बचाव के लिए दो तरीके अपना सकते हैं। पहला, रोग दिखाई देने से पहले, दूसरा रोग दिखाई देने के बाद। पहला, रोग आने से पहले, अगर आपके खेत में अभी फूल आना शुरू हुआ है तो कुछ दवाओं का प्रयोग करके इस रोग से आप अपने धान को बचा सकते हैं, जिसमें पहला कवकनाशी है गैलीलियो वे। इसकी 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दूसरा कवकनाशी है कॉक्साइड 2000। इसकी 500 ग्राम मात्रा 2000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। या फिर तीसरा, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसकी 500 ग्राम मात्रा लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान साथियों, इनमें से कोई भी एक कवकनाशी आप लेकर रोग आने से पहले अपने खेत में छिड़काव करें। यदि आप रोग आने से पहले इनमें से कोई भी एक कवकनाशी का छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से यह रोग आपके खेत में बहुत ही कम दिखाई देगा। किसान साथियों, जिनके धान में यह रोग दिखाई दे रहा है, वह इस रोग से बचाव के लिए आगे बताई गई कवकनाशियों में से कोई भी एक दवा का अपने खेत में छिड़काव करें। पहला है क्यूप्रीफॉक्स। इसकी 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दूसरी दवा आप ले सकते हैं क्लोराथानिल 75%। यह सिंजेंटा कंपनी में कवास नाम से आती है। इसकी 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इनमें से किसी भी एक दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर यह रोग खेत में आ जाता है तो इसका पूरी तरह नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम बताई गई कुछ कवकनाशियों का प्रयोग करके कुछ हद तक अपने धान को इस रोग से बचा सकते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद किसान साथियों।